आज की वीडियो में मैं आपके साथ मसाला पाव की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, मैं हूँ ऋचा और मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। शाम के समय जब बच्चों को छोटी छोटी भूख लगे उस समय आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं या बच्चों के लंच बॉक्स में दे सकते हैं। काफ़ी यम्मी लगता है और बच्चे इसे काफ़ी पसंद भी करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं इस मसाला पाव को हमें किस तरह से बनाना है और इसके लिए किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। मसाला पाव बनाने के लिए मैंने यहाँ पे कढ़ाई में 2 चम्मच तेल ले लिया है और तेल गर्म होने के बाद मैंने इसमें 1/2 चम्मच राई और 1/2 चम्मच जीरा ऐड किया है। और जब तक हमारा राई और जीरा क्रैकल हो रहा है तब तक देख लीजिए हमें किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक बारीक कटा हुआ प्याज लिया है। एक मीडियम साइज का प्याज है जिसको मैंने इस तरह से बारीक कट कर लिया है। 1/2 शिमला मिर्च है, उसको भी बारीक कट कर लेना है। एक बड़ा सा टमाटर है जिसको कि मैंने इस तरह से चॉपर में बिल्कुल बारीक सा ग्रेट कर लिया है। एक मीडियम साइज का बॉयल आलू है जिसको कि मैंने छोटे टुकड़ों में कट कर लिया है। अदरक और लहसुन को मैंने कूट लिया है और यहाँ पे एक बारीक कटी हुई हरी मिर्च है। यहाँ पे हमारा राई और जीरा जो है वो क्रैकल हो गया है, तब इसमें सबसे पहले प्याज ऐड कर देंगे और प्याज को ट्रांसपेरेंट कर लेना है। और यहाँ पे हमारे प्याज जो है वो ट्रांसपेरेंट हो गए हैं, तो उसके बाद इसमें जो बारीक कटी हुई शिमला मिर्च है उसको ऐड कर देंगे और साथ में ये अदरक और लहसुन जिसको हमने क्रश करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे। और अदरक और लहसुन के कच्चा स्मेल खत्म होने तक इसको हमें भून लेना है। अदरक और लहसुन हमारे फ्राई हो गए हैं, अभी इस स्टेज पे जो हमने टोमेटो को ग्रेट करके रखा है वो ऐड कर देंगे। ये बारीक कटी हुई हरी मिर्च ऐड कर देंगे और टोमेटो को 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। और यहाँ पे ये हमारे टोमेटो जो है वो अच्छे से कुक हो गए हैं, तो अब इसमें मसाले ऐड कर देंगे। मसाले में यहाँ पे 1 पिंच हल्दी, 1/2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, पाव भाजी मसाला, यहाँ पे मैंने ये 1/2 चम्मच मैगी मसाला लिया है। मैगी मसाले का मैंने यहाँ पे 1/2 पैकेट यूज किया है, उससे काफी अच्छा फ्लेवर आ जाएगा। अभी मसालों को हल्का सा भून लेंगे। मसाले को मैंने यहाँ पे 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है और ये अभी अच्छे से भून गए हैं। तो इस स्टेज पे 1/2 कप के करीब इसमें पानी ऐड कर देंगे और इसमें थोड़ा सा बॉयल आने देंगे। और एक बॉयल आने के बाद इसमें 1/2 चम्मच ये बटर ऐड कर देंगे, इससे मसाला पाव का जो टेस्ट है वो काफी एनहांस हो जाता है। और अभी इसमें ये बारीक कटा हुआ बॉयल आलू ऐड कर देंगे और इसको हल्का सा मैश कर लेंगे जिससे ये मसालों के साथ अच्छे से कोट हो जाए। तो अभी मसाला और आलू को 2 मिनट के लिए एक दूसरे के साथ कुक कर लेना है। और इसी के साथ इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक भी ऐड कर देंगे। नमक हमने अभी तक ऐड नहीं किया है। और जब तक ये हमारा मसाला रेडी हो रहा है तब तक पाव को कट कर लेते हैं। तो ये यहाँ पे 4 पाव पाव भाजी बनाने के बाद बच गए थे, तो मैं उसी का मसाला पाव जो है वो बना रही हूँ। सबसे पहले बीच से आप इसको इस तरह से कट कर लीजिए। पाव के इस तरह से छोटे छोटे से पीसेस कर लेने हैं। इन दोनों पाव को भी कट करके रेडी कर लेंगे। और इस तरह से सारी चीजें जो है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो अब इसमें 1.5 सारी धनिया की पत्ती ऐड कर देंगे और ये जो पाव हमने कट करके रखा है वो भी ऐड कर देंगे। और अब इसको हल्के हाथों से मिक्स कर लेना है। और यहाँ पे पाव जो है वो मसालों के साथ अच्छे से कोट हो गए हैं, सभी चीजें एक दूसरे के साथ अच्छे से मिक्स हो गई हैं। तो गैस को ऑफ कर देंगे और इसमें 1/2 चम्मच ये नींबू का रस ऐड कर देंगे और अब इसको मिक्स करके और सर्विंग प्लेट में निकाल लेंगे। और अब इसको थोड़े से बारीक सेव से गार्निश कर देंगे। तो अब इस रेसिपी को ट्राई करिए और अपना फीडबैक कमेंट के द्वारा शेयर करिए।